नमस्कार बंधु बान्धवी आपल पुनर्बार स्वागत आमार अन्य भिडिओले और आपनलोके गमे पासे आमी बरुवार सेम खन फिल्म खने इतिमध्ये बहुत वितर्क सृष्टि करिसे और आज आपनलोकक खुनुवाब लैछो जे एई सेम खन फिल्म खन शूटिंग करुते कि घटिसिल आहक आमी बरुवार मुखेरे खुनु। एक दिन मैंने क्या किया था, एक स्टिल फोटो खींचा था उनका। इमीडिएट जो निकाल फोटो निकाल सकते हैं वहां से फोटो खींच के एक लड़की को दिया। उसने ऐसे चिल्लाया, चिल्ला के फोटो को फाड़ के मतलब आग में डाल दिया। हाँ, वो लोग पढ़ा लिखा नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन उनके पास मतलब सुख है। सबसे बड़ी बात वो है कि वो खुश है। मैं वहां पे ड्रोन से कुछ शॉट्स ले रही थी तो अचानक से सारे लोग स्टोन्स ये जो फायर ये सब लेके भाग के घर से आ गया और ड्रोन की तरफ फेंकने लगा। मैं सबसे अजीब बात ये था कि वो लोग कोई भी बाहर का सामान यूज नहीं करते हैं। हम लोग 21st century में हैं तो हम लोगों के पास सब कुछ है, इंटरनेट है, मॉडर्न सब इक्विपमेंट्स है, सब कुछ है, लेकिन उस वो सब होने के बावजूद हम लोग खुश नहीं हैं। पर शमखोर एक ऐसा जगह है जिस जगह में आज के वक्त में भी वहाँ पे मोबाइल का नेटवर्क नहीं है, इंटरनेट नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन वहाँ के लोग खुश हैं। और कैसे है वही जानने के लिए मैं पहली बार शमखोर गई थी 2017 में। बट सरप्राइजिंगली वहाँ पे मुझे उस जगह पे जाने को नहीं दिया। उस वहाँ सेमसा की जो लोग थे, शमखोर जो पहाड़ है वहाँ पे जो लोग रहते हैं उन लोगों को बोलते हैं सेमसा। ये दिमासा जो लैंग्वेज है, दिमासा की एक डायलेक्ट है सेमसा, तो उस वहाँ पे जो लोग रहते हैं वही दिमासा लैंग्वेज ही बोलते हैं। लेकिन मुझे उस वक्त दिमासा का एक मतलब एक शब्द भी नहीं आता था। देन आई रियलाइज दैट अगर मुझे लैंग्वेज नहीं आएगा तो मैं वो गाँव नहीं जा सकती। बट इवन वो सब जानने के बाद भी मेरा जितना फ्रेंड था दिमा हसाओ में, गुवाहाटी में, गुवाहाटी से ऑलमोस्ट ये 10 hours लगता है दिमा हसाओ तक, वो लोग बार बार बोल रहे थे कि आप वहाँ मत जाओ बिकॉज वहाँ पे इंटरनेट कुछ भी नहीं है, नेट नहीं है, कोई प्रॉब्लम हो जाएगा तो आपको हेल्प करने के लिए कोई नहीं आएगा। और वो लोग जो थे कभी भी बाहर के लोगों से बात नहीं करते हैं। और जब मैं 2017 में फर्स्ट टाइम वहाँ पे पहुँचा, मुझे वो पता चला कि वो लोग सच में गांव के अंदर जाने नहीं देते हैं। फिर वहाँ से वापस आया मैं, 1 year मैंने वो लैंग्वेज सीखा, मैंने एक प्राइवेट ट्यूटर लिया, फिर सेवरल आवर्स मैंने उनके साथ बात की। आफ्टर डेट मैंने जितने सारे फ्रेंड्स थे दिमासा में फिर उन लोगों के साथ बात करना सीखा। तो एक साल के बाद जब मुझे दिमासा लैंग्वेज में मैं अच्छी तरह से बात कर सकती थी, तब मैं फिर से शमखोर गया 2018 में। तब मैं उस गांव में गया, लेकिन वहां पे सबसे अजीब बात ये था कि वो लोग कोई भी बाहर का सामान यूज नहीं करते हैं। जैसे कि वहां पे खुद खेत होता है, वो लोग खुद उगाते हैं वहां पे, वो लोग कुछ जानवर पालते हैं जैसे पिग्स एंड जैसे और कुछ छोटा छोटा चिड़िया होता है, वो उन्हीं की जगह में ही मिलता है तो वही खाते हैं वो लोग। और वहाँ पे वो लोग ब्लेस्ड है कि वहाँ पे 2 salt wells है जिसमें पानी बहुत नमकीन होता है, वो लोग वहाँ से पानी निकालते हैं और कुकिंग में वही पानी यूज़ करते हैं, कोई भी ऑयल नहीं लेते हैं। एंड इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट कि वहाँ पे आज तक कोई भी आदमी स्कूल नहीं गया। बहुत सारी जगह ऐसे होता है कि वहाँ पे सरकार की उतना रेस्पॉन्सिबिलिटीज मतलब वो रेस्पॉन्सिबिलिटीज सरकार नहीं लेते हैं, उसी की वजह से वो जगह डेवलप नहीं होते। बट शमखोर एक ऐसा जगह है जहाँ पे सरकार ने स्कूल बनाया, जहाँ पे सरकार ने हॉस्पिटल बनाया, क्योंकि हम लोग जब गए थे वो हॉस्पिटल भी टूटा हुआ था, स्कूल भी टूटा हुआ था, वहाँ पे वो लोग ने कुछ चिड़िया पाले हुए थे वहाँ पे। तो मैंने पूछा कि ये ऐसा क्यों है, तब पता चला कि वो लोग ने खुद तोड़ा वो, क्योंकि उनको मॉडर्न ये हम लोगों का सिस्टम नहीं चाहिए। वो लोग अभी भी बोलते हैं कि हम लोग अपने आप में ओरिजिनल हैं, हम लोग ऐसे ही रहना चाहते हैं, आप लोग हमें आप लोग की दुनिया में मत लेके जाओ। तो फिर मैंने बहुत दिन कोशिश की उनसे बातें करने के लिए, फिर मैं बहुत सारे एजुकेशनिस्ट वहाँ पे जो हिस्टोरियन हैं उन लोगों से बात की, फिर पता चला कि
वो लोग आज से नहीं है ऐसा, सालों सालों से ऐसे ही है वो लोग, और आज तक वो लोग मैंने फिल्म में जैसे दिखाया है थोड़ा सा तो रिचुअल्स चेंज हुआ है, इसीलिए मैंने डिस्क्लेमर में बोला भी है कि ये ओल्ड सिमसर ट्रेडिशन है कुछ, बट सम रिचुअल्स आर स्टिल प्रिवलेंट देयर। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा एक बात बोल के कि दुनिया में जो खुशी है वो खुशी उन लोगों के बीच अभी भी है। और असम से, नॉर्थ ईस्ट से एक मूवी आके इस प्लेटफॉर्म में, इतने बड़े इंटरनेशनल फेस्टिवल में आके आप लोगों के सामने दिखा पाई, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं तो क्लास सिक्स से मैं एक्टिंग करियर शुरू किया था, फिर क्लास नाइन में मैं एज ए हीरोइन, जब मैं 14 ईयर्स की थी मैंने शुरू की, अब तक मैंने 27 फीचर फिल्म की एज ए हीरोइन, बट ये शैमखोर मेरा पहला फिल्म है एज ए डायरेक्टर। और शैमखोर मेरे उस टाइम की कुछ बात मैं बोलना चाहती हूँ, जैसे कि पहले मैं चाहती थी कि वहाँ की कोई आर्टिस्ट को लेके मैं फिल्म शुरू करूँ जो मेन कैरेक्टर था वहाँ का, बट वहाँ के लोग बात ही नहीं करते थे, जैसे कि दो बात बोला कैमरा, कभी मैंने कैमरा की बात बोला तो वो लोग घर के अंदर मतलब दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि कैसे किया जाए, फिर मुझे लैंग्वेज आता था, मैंने दो तीन वहाँ की लड़कियों को, मतलब वहाँ की नहीं, वहाँ की पास की जगह है मायबंग, वहाँ पे पूछा, पर वो लोगों ने भी बोला कि नहीं हम लोग इतना नहीं कर सकते, थोड़ा सा कुछ कर सकते हैं। फिर मैंने सोचा कि लीड कैरेक्टर मैं खुद करूँगी, फिर उसके बाद मैंने एक एक करके सबको सिलेक्ट किया, वो सारे नॉन एक्टर्स हैं जिन लोगों ने कभी भी कैमरा नहीं देखा, लेकिन वो लोगों ने इतना अच्छा एक्टिंग किया, सपोर्ट किया सब कुछ, और मुझे लगता है मैंने जितना सोचा था उससे ज़्यादा किया उन लोगों ने। मैंने पूरा एक साल पार्लर नहीं गया था, लाइक बहुत महीनों से मैंने बाल नहीं धोया था, और बाल को उल्टा कंघी करना शुरू किया था ताकि वो लोग, जैसा उन लोगों का होता है फट जाता है हेयर्स, तो उस वजह से कि मेरा वैसा दिखे। और फिर मैं 3 मंथ्स मैंने चप्पल पहना ही नहीं ताकि मेरा एरिया फट जाए। फिर उन लोगों का जो फिल्म में आप लोगों ने जैसा मुझे कॉस्ट्यूम में देखा, मैं उस कॉस्ट्यूम में ऑलमोस्ट 3 मंथ्स पहले से मैं वही पहनती थी दिन रात, कभी भी सोती, मतलब सोती भी थी, चलती भी थी, कहीं पे भी ऐसे ही थी मैं, ताकि मुझे देख के ना लगे कि मैं सिमसानी ही हूँ। और मैं लैंग्वेज से ज़्यादा मैं उनकी जो बोलने का तरीका और जो ट्यून है वो पकड़ने की कोशिश कर रही थी, इसीलिए शायद मुझे और थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। वहाँ पे दो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, मैं वो बोलती रहूँगी, बहुत लंबा होते जा रहे हैं। एक उन लोगों का जो एक ही कमरा होता है वहाँ पे ही सोते भी है, खाते भी है, कोई गेस्ट आते हैं तो वहाँ पे बिठाते हैं, गेस्ट उन लोग बाहर से कोई नहीं आते हैं, गांव का ही जो आते हैं, क्योंकि बाहर से कोई जाता नहीं, वो लोग अंदर जाने नहीं देता है, उन लोग का मानना है कि वहाँ पे ब्लैक मैजिक होगा कोई जाएगा तो। फिर लड़कियाँ जो होता है चूल्हा के ऊपर एक छठ जैसा चलनी बोलते हैं हम लोग, बेम्बू का होता है, वहाँ पे कुछ सुखाते हैं, मछली सुखाते हैं, कोई ग्रीन लिप्स सुखाते हैं, उस हाइट का जब एक लड़की बन जाता है इसका मीन्स है कि वो लड़की शादी के लिए रेडी है। और मैंने देखा कि उस हाइट का जब एक लड़की बनती है उनका एज होता है ऑलमोस्ट 14 ईयर्स ऑलमोस्ट, और कभी कभी कम भी होता है, लेकिन ये थोड़ा पुरानी बात है जो मैंने देखा, इसीलिए हर कस्टम्स वहाँ पे अभी नहीं है, लेकिन ये कस्टम जो है, फिर वो लड़की का शादी हो जाता है, वहाँ पे ठीक तरह से मतलब हेल्थ केयर भी नहीं है, तो क्या होता है ज़्यादातर माँ के साथ बच्चे मर जाते हैं। तो ये ओल्ड सिमसा ट्रेडिशन था कि अगर मर जाए बच्चा तो वो लोग मानते थे कि बिकॉज ऑफ दिस चाइल्ड मम्मी का ऐसा हुआ, तो इमीडिएट वो बच्चे को वो लोग नहीं रखते हैं, वो गाड़ देते हैं। तो मैं फिल्म की फिल्म से ये दिखाना चाहती थी कि लास्ट में ये दीरो का वाइफ जो कैरेक्टर मेरा था वो अपनी ग्रैंड डॉटर को लेके भाग जाती है, क्योंकि उसने हमेशा से देखा ये सोसाइटी में यही होता रहा है, तो उसको कुछ नया लाइफ देने के लिए वो लेके भाग जाती है। वही है स्टोरी, ये एक्चुअली ओल्ड ट्रेडिशन है, फिर से मैं बोल रही हूँ, लेकिन मैं इसीलिए यहाँ पे लाया। अभी भी कुछ कुछ सुपरस्टिशंस वहाँ पे है, जैसे कि मैं वहाँ पे ड्रोन से कुछ शॉट्स ले रही थी तो अचानक से सारी लोग स्टोन्स, ये जो फायर, ये सब लेके भाग के घर से आ गया और ड्रोन की तरफ फेंकने लगा, तो मेरा तो कैमरा टूट जाएगा। मैं इतना समझा कि कुछ नहीं है, ये सिर्फ कैमरा हम लोग ले रहे हैं कुछ शॉट्स, तो वो लोग ने बोला कि ये ब्लैक मैजिक है, इसको हम तोड़ेंगे और आप लोग गांव से निकलो। लेकिन मैंने कुछ भी करके थोड़ा सा मैनेज करके उस दिन के लिए वो लोग को शांत किया, लेकिन क्या हुआ रात को हम लोगों का 65 मेंबर्स उस एक पहाड़ है वहाँ पे शैमखोर जो मैंने बोला था,
हम लोग हर सुबह 45 मिनट्स वो पहाड़ चढ़ के जाते हैं, क्योंकि गांव में वो लोग रहने नहीं देते हैं। तो फिर शाम होने से पहले हमको नीचे आना है, 45 मिनट्स फिर नीचे आना है। तो नीचे में हम लोग 65 मेंबर्स का एक कैंप बनाया था वहाँ पे। वहाँ पे पानी नहीं था, तो पास में एक झरना था, वहाँ से हम लोगों ने टैंक लगाया था। जिस दिन हम लोगों ने ड्रोन से शूट किया, वो लोग आके रात को पूरा हम लोगों का टैंक तोड़ दिया, क्योंकि वो सोचने लगा कि कुछ ब्लैक मैजिक किया, कुछ गलत होने वाला है गांव का। फिर हमने जैसे तैसे मैनेज किया, लेकिन ये मैं सोचती हूँ कि वो लोग ने ऐसे इसलिए ऐसा किया क्योंकि वो लोग इनोसेंट हैं, उनको नहीं पता कुछ भी, कभी भी ड्रोन नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, तो इसीलिए शायद वो लोग ऐसे हैं। आई वॉन्ट टू डू सम काइंड ऑफ हेल्प टू दैट कम्युनिटी, लाइक हेल्थ सेक्टर में, जैसे कि मैंने बोला वो लोग सच में सफ़र कर रहे हैं, मुझे कहीं तक लगता है, क्योंकि एज ए वुमेन, एज ए मदर ऑफ टू, मैं अपनी बच्ची को जब देखती हूँ मुझे लगता है कि वहाँ पे बच्चियाँ ऐसे ही। लेकिन उन लोगों का अजीब बात यह है कि वो लोग चाहते ही नहीं है। मैंने बहुत बार पूछा कि आपको पता है कि बाहर में ऐसा होता है, बाहर में लाइफ ऐसा होता है, तो उन लोगों ने पूछा हाँ हो है, क्या है, तो फिर क्या है, हमारे पास क्या नहीं है, आप बोलो। तो जब उल्टा पूछते हैं कि ठीक है हमारे पास ये नहीं है लेकिन हमें कम क्या है, तो फिर उनको समझाना मुश्किल होता है कि आपके पास कम कुछ है क्या। हाँ वो लोग पढ़ा लिखा नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन उनके पास मतलब सुख है। सबसे बड़ी बात वो है कि वो खुश है। वो बार बार मुझे वही बोलते हैं कि आप ये मत बोलो कि हम खुश नहीं, हम खुश हैं। लेकिन फिर भी कुछ तो सुपरस्टिशंस हैं, जैसे कि मैंने आप अभी बोला कि ब्लैक मैजिक, जैसे एक ड्रोन आएगा तो सोचेगा ब्लैक मैजिक, तो लगता है कि हम एक ही लोग हैं, कोई लोग इतने अलग सोचते हैं और हम लोग इतने अलग सोचते हैं। लेकिन और कभी कभी लगता है कि हाँ वो लोग अपने आप में खुश है, ओरिजिनल है, इसीलिए शायद वो लोग वो है, तो कोई कोई जगह में अच्छा भी है। लेकिन हाँ मैंने रिक्वेस्ट भी किया है अपनी सरकार से कि वहाँ पे कुछ किया जाए। और मैं जब गई थी, मैं कुछ लोगों को मेडिसिन्स की कुछ देना चाहती थी, टैबलेट्स एंड ऑल, क्योंकि बच्चों, मैंने बहुत सारा बच्चे देखे वहाँ पे, नाक बह रहा था किसी का स्किन में कुछ था। मैंने ऑइंटमेंट्स लेके गया था बहुत सारा, मैंने दिया उनको, लेकिन कुछ नहीं लगाया। मेरे सामने में वो आग में फेंक दिया, बोला कि नेक्स्ट टाइम ट्राई भी मत करना। वो लोग जड़ी बूटी में अभी भी विश्वास करते हैं। और हम लोगों को क्या था कि सुबह हम लोग जब पहुँचते हैं, ऑलमोस्ट 7:30 को हम लोग पहुँच जाते हैं, क्योंकि क्लाइंब करना पड़ता है बहुत, 45 मिनट्स ऐसा पहाड़ है। तो हर रोज सुबह उठते हैं और शाम को उतरना होता है, क्योंकि रात के बाद कोई नहीं रह सकता वहाँ पे। तो वो बहुत सारा प्रॉब्लम्स है अभी भी। और एक मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, वहाँ पे कुछ इंटरजेंसी की प्रॉब्लम है थोड़ा सा, जैसे हम लोग बोलते हैं टेररिस्ट बोले या क्या बोले, थोड़ा सा है। कोई लोगों ने मुझे बोला था आप वहाँ पे मत जाओ। और ये ड्रोन का जिस दिन इंसिडेंट हुआ, उसके बाद मैं वहाँ पे ही उन लोगों के बीच, उन औरत के बीच, उनकी कॉस्ट्यूम में बैठी हुई हूँ, मतलब उनकी ड्रेस में ही बैठती रहती हूँ, बात करती रहती हूँ। एक दिन अचानक से हम 5-6 औरत ऐसे ही बैठी हुई थी, बात कर रही थी, पीछे से दो लड़का आया, मैं आवाज़ सुना दिमासा में, वो बोल रहा था कि यहाँ पे एक औरत है जो लाइक कुछ ठीक नहीं कर रहा है, कल मैंने हम लोगों ने सुना था कि कुछ अजीब किया यहाँ पे, वो कहाँ है औरत। तो वहाँ पे अचानक से एक औरत खड़ी होके मुझे कवर कर दिया और बोला कि नहीं वो तो ठीक ही है, हम लोगों को कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो कोई ऐसे ही बोला होगा। वो दो लड़का चला गया। फिर मैं घूम के देखा, वो लोग लाइक आर्मी का जैसा ड्रेस होता है ऐसा था। फिर वो औरत ने मुझे बोला कि ये लोग थोड़ा उसी के कुछ है। लेकिन मुझे सबसे अच्छी बात ये लगा कि जिन औरत के साथ मैं बैठी हुई थी, वो लोग इतना घुल मिल गया था, उनके दिल में मेरे लिए शायद प्यार था, इसी की वजह से उसने ऐसे बोला। क्योंकि मैं सच में कहीं जगह में उन लोगों को तकलीफ ही दे रही थी कि मैं जाती हूँ, शूट करती हूँ, जो लाइफस्टाइल उनका नहीं है उसमें डिस्टर्ब करती हूँ जाके। लेकिन फिर भी पता नहीं उन लोगों को रहते रहते आदत सी पड़ गया था कुछ इस टाइप का। थैंक यू। हेलो, आई एम सतीश पांडे। अभी ये फिल्म जो आपने बनाई है, क्या आप जाके वहाँ दिखाएंगे, और दिखाएंगे तो उनका रिएक्शन क्या होगा? हाँ, मैंने पहले फिल्म तो अभी मैं बहुत चाहती हूँ कि दिखाऊं। एक दिन मैंने क्या किया था, एक स्टील फोटो खींचा था उनका, इमीडिएट जो फोटो निकाल सकते हैं, वहाँ से फोटो खींच के एक लड़की को दिया। उसने ऐसे चिल्ला के फोटो को फाड़ के मतलब आग में डाल दिया। फिर बोला कि नेक्स्ट टाइम आप ऐसे मत करो, ऐसे करोगे तो आप यहाँ रह नहीं पाओगे। तो मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे समझाऊं उसे कि आप लोगों को लेके मैं एक फिल्म बना रही हूँ ऐसा। लेकिन मेरा बहुत मन है कि मैं उनको दिखाऊं। वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी का एक बात कहना चाहती हूँ, वहाँ पे पोस्ट है,
इलेक्ट्रिसिटी का पोस्ट है लेकिन वायर्स नहीं है। मैंने उसके बारे में भी पूछा तो उन लोगों ने बोला कि सरकार आके पोस्ट फिर वो गाड़ते हैं वहाँ पे, मतलब पोस्ट लगाते हैं, फिर जब भी वायर का कनेक्शन के लिए आते हैं रात को वो लोग कट कर देते हैं पूरा लंबा रोड, तो वो लोग को इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए। मैंने जब शूटिंग किया था पहले जो स्क्रिप्ट था उनकी सबसे उनकी गाँव में एक गाँव की मुखिया होता है जिनसे जो परमिशन देगा वो बोलेगा हाँ तो सब कुछ ठीक है। वहाँ पे कोई सरकार नहीं चलता, कोई भी लाइक पुलिस लाइक कोई भी रूल्स नहीं चलता, सिर्फ गांव का जो मुखिया है उनका चलता है। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि मैं ऐसे एक बनाना चाहता हूँ, और आप लोगों ने शूटिंग में जो देखा वो घर वहीं का ही है, मैंने कहीं पे सेट नहीं बनाया, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा वो नाइट का जो इंसिडेंट है वो मैंने बाहर में लिया है सेट बना के, लेकिन बाकी सब डेज का जितना सिक्वेंस है वहीं पे है। मैंने उनको पूछा कि ऐसे ऐसे मैं कुछ कर रही हूँ, पता नहीं मुखिया जी बहुत अच्छे थे वो, तो उन्होंने मतलब लाइक 2017 से 2020 क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, तो ऑलमोस्ट मैं 2-3 मंथ्स के बाद वहाँ पे जाके 10-15 दिन रहती हूँ। जब लोग घुल मिलने लगते हैं तो मैंने जब उनको बोला कि मैं ऐसे करती हूँ, लेकिन इस फिल्म में उस गांव का कोई भी आदमी नहीं है, मैंने सारे आर्टिस्ट मायबंग से लिया और आसपास दूर की जो गाँव है वहाँ से लिया, लेकिन श्यामखर का कोई आदमी नहीं है। मुझे कुछ रूल्स दिया गया था कि ऐसे ऐसे आप नहीं ये नहीं कर सकते हो, वो मेंटेन करते हुए मैंने किया, तो मुझे लगता है कि मैंने उतने उनका उनको उनका प्राइवेसी का प्राइवेसी में इंटरफेयर नहीं किया, लेकिन हाँ थोड़ा सा तो डिस्टर्ब किया है। उसकी वजह भी ये है कि मैं लोगों को ये भी बोलना चाहती हूँ कि देखो हम लोग खुश क्यों नहीं है, ये भी एक बात है कि हम क्यों इतने सारे चीज को लेके खुश नहीं है, लेकिन वो लोग कैसे खुश हो सकता है इतनी इतनी छोटी छोटी